दोस्तों नमस्कार। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एप्स ऑर्चर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के उन उन्नतिशील बागवानों से आपको मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने आज से लगभग 2 साल और 3 साल पहले सिख बागवानी को फिर से अपनाया और एप्स ऑर्चर्ड के UHDP कंसेप्ट पर श्री प्रेम सिंह चौहान की तकनीकी जानकारी के आधार पर अपने से बगीचे लगाए। आइए इस वीडियो के माध्यम से उन बगीचों की उन्नति की एक झलक देखें और उन बागवानों से एप्स UHDP कंसेप्ट के बारे में जानें, उन्हें कैसा लग रहा है और वे क्या महसूस कर रहे हैं इस कंसेप्ट को अपनाकर, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बगीचा रणवीर चौहान जी का, जो कि उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जांदो नामक स्थान पर है। तमाम मुश्किलों को इन्होंने पीछे छोड़ते हुए आज से लगभग 2 साल पहले संकल्प लिया कि वे सेब बागवानी को अपना कैरियर बनाएंगे और एप्स ऑर्चर्ड के अल्ट्रा हाई डेंसिटी कंसेप्ट पर उन्होंने प्रेम सिंह चौहान जी की गाइडलाइंस में सेब का बगीचा लगाने का संकल्प लिया और हम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से उनका बगीचा यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है। इस वीडियो में उनके जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हो, आप देख सकते हैं कि कितने हेल्थी है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं और बहुत सारे लोग इनके देखा देखी ही अपने कैरियर के रूप में सेब बागवानी को अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और हम इनसे विचार भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, मैं रणवीर सिंह चौहान, सोनप श्री प्रताप सिंह चौहान, ग्राम जैंदो चक्राता। मैंने ये प्लांट अभी लगभग 16 महीने पहले लगाए थे एप्स मॉडल पे, श्री प्रेम चौहान जी हिमाचल कोटखाई, तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया है और उनके कॉन्सेप्ट से काम कर रहा हूँ। और देखिए ये 16 महीने का प्लांट है और काफ़ी अच्छा मटेरियल मिला हमें और मैं इस मॉडल से काफ़ी खुश हूँ और अच्छा सर्वाइव कर रहा है हमारे यहाँ पे। बाकी आगे इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। ये मेरे पापा जी हैं और सारी मेहनत सब इन्हीं की है, देखभाल सब यही करते हैं। और आपको कैसा लग रहा है ये मॉडल जो आपने अडॉप्ट किया एप्पल फार्मिंग के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है जी, थैंक यू। और दूसरे नंबर पर हम एक और उन्नतिशील बागवान का बगीचा हम देखने जा रहे हैं, ये है श्री GS राणा जी, जो कि देहरादून के माकटी पोखरी नामक स्थान पर है। एक खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें लगभग आज से 3 वर्ष पहले एप्स के UHDP कंसेप्ट पर लगभग 1 बीघा ज़मीन में 1000 पौधों से शुरुआत की थी। उसके बाद हर वर्ष पौधों की संख्या बढ़ाते गए, परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि इनका सेब का बगीचा आज यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है और बहुत से युवा लोग इनकी देखा देखी सेब बागवानी को अपना व्यवसाय बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इस कंसेप्ट पे काम करते हुए उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। मेरा नाम सुभाष राणा है और मेरे फादर्स का नाम जगत सिंह राणा। हमने जो ये प्लांट लगाए एप्पल के, ये 2021 में लगाए और ये प्लांट हमने लगाए विद दी हेल्प ऑफ एप्स मॉडल की हेल्प से, और जो उनका हमें फीडबैक था और जो उन्होंने हमें जो भी सजेस्ट किया, आज आपके सामने है। ये प्लांट लगभग पूरा 2 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तीसरे साल में जा रहा है। तो जो इसमें इस बार तीसरे साल में है जो फ्रूटिंग है, ये आप देख सकते हो, जो ये फ्रूटिंग है ये रेडलम गाला है, ये फ्रूट आप
देख सकते हो। और जो ये पूरा बगीचा लगाया हमने अराउंड 11,000 प्लांट का वो लगाया था हमने एक छोटा सा ब्लॉक। तो जो आज आप देख सकते हो ये टोटल जो ब्लॉक है बहुत ही हेल्दी प्लांट लग रहे हैं और बिल्कुल मैच्योर प्लांट। उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो ये है हमें अच्छी क्रॉप देगा। और जो भी फीडबैक एप्स ऑर्चर्ड वालों ने दिया हमें उसमें बहुत फ़ायदा मिला। और आज हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भी अपना एक एप्पल ऑर्चर्ड लगा पाएंगे। ये हमारे पिताजी श्री जगत सिंह राणा जी का एक सपना था कि हम भी एक एप्पल ऑर्चर्ड लगाएं। तो उन्होंने एप्स ऑर्चर्ड का मॉडल यूट्यूब में देखा था और तभी से उनके उसमें दिमाग में आया कि हमने एप्स ऑर्चर्ड विजिट करना है। तो 2020 में मैंने और पिताजी ने एप्स ऑर्चर्ड का विजिट किया, एप्स ऑर्चर्ड का मॉडल देखा और वहाँ जाके हमें बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही एप्स ऑर्चर्ड से प्रभावित हुए और उन्हीं से प्रेरित होके हमने जो ये एप्स एप्पल प्लांट है इसका ऑर्चर्ड लगाया है। धन्यवाद साथियों, यहीं इसी के साथ हम आज की इस वीडियो का समापन करते हैं और आप अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। हम इसी तरह से मिलेंगे उत्तराखंड के, हिमाचल के तथा जम्मू कश्मीर के उन उन्नतिशील बागवानों से जिन्होंने बागवानी की नई तकनीक को अपनाने का फैसला किया और बागवानी को एक नया आयाम देने का बीड़ा उठाया। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें। आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।